तो जैसा कि आप सभी को पता है कि 2023 का जो सिलेबस है वो आ चुका है तो आज की इस वीडियो में हम सिर्फ ज्योग्राफी का सिलेबस ही डिस्कस करने वाले हैं कि इस बार आपके कौन कौन से चैप्टर्स आएंगे तो चलिए जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं अब की बार जो आपका कोई भी टर्म सिस्टम यहाँ पर नहीं होने वाला है सिर्फ एक क्या है ईयरली ही पेपर आपका यहाँ पे बोर्ड कंडक्ट करेगा और ये जो पेपर होगा वो होगा 70 मार्क्स का और 70 मार्क्स के लिए आपको यहाँ पे टाइम मिलेगा थ्री आर्स का अब जो आपकी फर्स्ट बुक है फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन जियोग्राफी उसमें से आपके पास चार यूनिट है और उन चार यूनिट में से आपका जो पेपर है वो आएगा थर्टी मार्क्स का और पाँच मार्क्स का होगा मैप वर्क यानी कि टोटल जो थर्टी फाइव मार्क्स का यहाँ पे पेपर आने वाला है आपकी फर्स्ट बुक में से अब जो आपकी फ़र्स्ट बुक है ह्यूमन जियोग्राफी उसमें से आपका सिर्फ एक ही चैप्टर आएगा जिसका नाम है ह्यूमन जियोग्राफी नेचर एंड स्कोप तो ये चैप्टर आपका आने वाला है दूसरी आपकी यूनिट है द पीपल उस यूनिट में से आपके यहाँ पे दो चैप्टर आएंगी द वर्ल्ड पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी एंड ग्रोथ और आपका यहाँ पे इस यूनिट में से जो सेकेंड चैप्टर आने वाला है वो है ह्यूमन डेवलपमेंट इसके बाद में हम आ जाते हैं थर्ड यूनिट में तो थर्ड यूनिट में से आपका चैप्टर आएगा चैप्टर नंबर फाइव प्राइमरी एक्टिविटीज़ चैप्टर नंबर सिक्स सेकेंडरी एक्टिविटीज़ चैप्टर नंबर सेवन टर्शरी एंड क्वार्टनरी एक्टिविटीज़ उसके बाद में आ जाते हैं हम चैप्टर नंबर एट पे तो चैप्टर नंबर एट जो है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन वो भी आएगा और उसके बाद में जो आपका चैप्टर नंबर नाइन है इंटरनेशनल ट्रेड वो भी आपका यहाँ पे आने वाला है तो बस इस बुक में से आपके इतने ही चैप्टर आएंगे ये जो चैप्टर टेन है ह्यूमन सेटलमेंट्स वो इस बार आपका नहीं आने वाला है और चैप्टर थर्ड पॉपुलेशन कम्पोजिशन भी इस बार क्या है कट हो चुका है तो यानी कि बुक वन से दो चैप्टर हमारे टोटल डिलीट हुए हैं पहला तो है चैप्टर नंबर थर्ड पॉपुलेशन कंपोजिशन और दूसरा चैप्टर जो कट हुआ है वो है चैप्टर नंबर टेन ह्यूमन सेटलमेंट्स तो अब आप लोग अपनी सेकेंड बुक निकाल लीजिए इंडियन पीपल एंड इकोनमी तो ये बुक भी सेम आपकी 35 मार्क्स की आएगी जिसमें से 30 में तो क्या है जो थ्योरी वाला पार्ट है वो आएगा और इसमें भी 5 मार्क्स का क्या है मैप वर्क है यानी कि ये जो टोटल है 35 मार्क्स की ये बुक आने वाली है और इस तरह से जो आपका टोटल जो पेपर बनेगा वो होगा सेवेंटी मार्क्स का जिसमें से आपका सिक्सटी मार्क्स का थ्योरेटिकल पार्ट होगा और टेन मार्क्स का होगा यहाँ पे आपका मैप वर्क तो जो इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी आपकी सेकेंड बुक है उसमें से आपका आने वाला है चैप्टर नंबर फर्स्ट पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी ग्रोथ एंड कंपोजिशन अब यहाँ पे जो आपका चैप्टर सेकंड है माइग्रेशन वो नहीं आएगा और जो चैप्टर थर्ड है ह्यूमन डेवलपमेंट वो भी नहीं आने वाला है अब आ जाते हैं हम यूनिट सेकंड के अंदर तो यूनिट सेकंड के अंदर जो आपका चैप्टर नंबर फोर है ह्यूमन सेटलमेंट्स तो वो चैप्टर आएगा अब जो आपकी यूनिट नंबर थ्री है उसके अंदर जो चैप्टर फिफ्थ है लैंड रिसोर्सेज एंड एग्रीकल्चर वो इस बार आने वाला है चैप्टर नंबर सिक्स है वाटर रिसोर्स वो भी आएगा और जो चैप्टर नंबर सेवन है मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्स तो ये चैप्टर भी इस बार आने वाला है चैप्टर नंबर एट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज वो नहीं आएगा और जो चैप्टर नंबर नाइन है प्लानिंग एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन इंडिया कॉन्टेक्सट तो ये चैप्टर आएगा अब जो यहाँ पे आपकी यूनिट फोर है उसमें से चैप्टर नंबर टेन है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन तो ये चैप्टर भी आपका आने वाला है और जो चैप्टर नंबर इलेवन है इंटरनेशनल ट्रेड तो ये चैप्टर भी इस बार आपके सिलेबस में है यूनिट फाइव से जो चैप्टर है चैप्टर नंबर ट्वेल्व जियोग्राफिकल प्रस्पेक्टिव ऑन सिलेक्टेड इशू एंड प्रॉब्लम्स तो ये चैप्टर भी आपका सिलेबस में है तो ये चैप्टर आपका कटा नहीं है अगर मैं इस बुक से बात करूं जो चैप्टर नहीं आने वाले उन चैप्टर्स के नाम है माइग्रेशन जो कि चैप्टर सेकेंड है चैप्टर थ्री नहीं आने वाला ह्यूमन डेवलपमेंट आपका चैप्टर एट नहीं आने वाला मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री इसके अलावा जो बाकी बच गए चैप्टर्स मैंने आपको बताए हैं वो सारे के सारे आने वाले हैं तो इस बार ज्योग्राफ़ी में आपके टोटल सेवनटीन चैप्टर्स आएंगे और इसके अलावा अगर हम बात करें प्रैक्टिकल की तो प्रैक्टिकल में क्या क्या आने वाला है चलिए वो मैं आपको बताती हूँ प्रैक्टिकल को बताने से पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि कौन से चैप्टर्स में से क्या क्या टॉपिक्स आने वाले हैं क्योंकि सबसे पहले सिलेबस को क्लियर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो जो आपका फर्स्ट बुक से फर्स्ट चैप्टर है ह्यूमन जियोग्राफी वो पूरा का पूरा आने वाला है और सेकेंड यूनिट से जो आपका सेकेंड चैप्टर है द वर्ल्ड पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी एंड ग्रोथ ये भी आपका फुल चैप्टर आने वाला है उसके बाद में जो आपका चैप्टर है ह्यूमन डेवलपमेंट उसके अंदर से आपका आएगा कॉन्सेप्ट सिलेक्टेड इंडिकेटर्स इंटरनेशनल कंपेरिजन्स उसके बाद में जो आपका चैप्टर फाइव है प्राइमरी एक्टिविटीज़ उसमें से आएगा कॉन्सेप्ट एंड चेंजिंग ट्रेंड्स गैदरिंग पेस्ट्रोल माइनिंग सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर मॉडर्न एग्रीकल्चर पीपल एंगेज इन एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज़ सम एग्जाम्पल फ्रॉम सिलेक्टेड कंट्रीज़ और जो आपका उसके बाद में सिक्स चैप्टर है सेकेंडरी एक्टिविटीज़ उसमें से आएगा कॉन्सेप्ट मैन्युफैक्चरिंग टाइप्स हाउस होल्ड स्मॉल स्केल लार्ज स्केल एग्रो बेस्ड एंड मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ उसके बाद में जो आपकी ट्रशरी एक्टिविटीज़ है उसमें से आएगा कॉन्सेप्ट ट्रेड ट्रांसपोर्ट टूरिज़म सर्विस पीपल एंगेज इन टेरश्री एक्टिविटीज़ क्वाटनरी एक्टिविटीज़ से आएगा आपका कॉन्सेप्ट पीपल एंगेज इन क्वाटनरी एक्टिविटीज़ केस स्टडी फ्रॉम सिलेक्टेड कंट्रीज़ यानी कि जो क्वाटनरी एक्टिविटीज़ है उसमें से आपका क्या है केस स्टडी वाला क्वेश्चन भी आ सकता है तो ध्यान रखना इसके बाद में जो चैप्टर नंबर एट है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन उसमें से आएगा लैंड ट्रांसपोर्ट रोड रेलवेज ट्रांस कॉन्टीनेंटल रेलवेज वाटर ट्रांसपोर्ट इनलैंड वाटरवेज मेजर ओशन रूट्स उसके बाद में आपका आएगा एयर ट्रांसपोर्ट इंटर कॉन्टीनेंटल एयर रूट्स ऑयल एंड गैस पाइपलाइंस सेटेलाइट कम्युनिकेशन एंड साइबर स्पेस इंपोर्टेंस एंड यूज़ ऑफ जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन यूज़ ऑफ जी पी एस तो ये टॉपिक्स आपके आने वाले हैं उसके बाद में जो आपका चैप्टर है इंटरनेशनल ट्रेड उसमें से आएगा आपका बेसिस एंड चेंजिंग पैटर्नस पोर्ट्स एंड गेटवेज़ ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड रोल ऑफ डब्ल्यू टी ओ इन इंटरनेशनल ट्रेड तो ये टॉपिक्स आपके इंटरनेशनल ट्रेड से आने वाले हैं इसके बाद में आती है हमारी सेकेंड बुक जिसका नाम है इंडियन पीपल एंड एकमी तो उसमें से जो आपका फर्स्ट चैप्टर है पॉपुलेशन उसमें से आएगा कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन लैंग्विस्टिक रिलीजियस सेक्स रूलर अर्बन एंड ऑक्यूपेशनल रिलीजन वेरिएशन इन ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन तो ये टॉपिक्स आपके आने वाली हैं उसके बाद में आता है हमारा चैप्टर फोर ह्यूमन सेटलमेंट्स जिसमें से आपका टॉपिक आएगा रूलर सेटलमेंट्स टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन अर्बन सेटलमेंट्स टाइप्स डिस्ट्रीब्यूशन एंड फंक्शनल क्लासीफिकेशन इसके बाद में जो आपका चैप्टर नंबर फाइव है लैंड रिसोर्स एंड एग्रीकल्चर उसमें से टॉपिक्स आने वाली हैं एग्रीकल्चर लैंड यूज जियोग्राफिकल कंडीशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेजर क्रॉप्स वीट ड्राइज टी कॉफी कॉटन जूट शुगर केन एंड रबर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट एंड प्रॉब्लम्स उसके बाद में से जो आपका चैप्टर नंबर सिक्स है वाटर रिसोर्स उसमें से टॉपिक्स आने वाले हैं तो वाटर रिसोर्स Availability and utilization, irrigation, domestic, industrial, and other uses, scarcity of water and conservation methods, rainwater harvesting, and watershed management. उसके बाद में जो आपका चैप्टर नंबर सेवन है मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज उसमें से जो आपके टॉपिक्स हैं वो आने वाले हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेटलिक आयरन और कॉपर बॉक्साइड मैग्नीज नॉन मेटलिक मीका सोल्ट मिनरल्स कन्वेंशनल कोल पेट्रोलियम नेचुरल गैस एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी एंड नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स सोलर विंड बायोगैस एंड कंजर्वेशन इसके बाद में जो आपका चैप्टर नंबर नाइन है प्लानिंग एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन इंडिया कॉन्टेक्स तो उसमें से आपके जो टॉपिक्स आने वाले हैं वो है प्लानिंग इन इंडिया टारगेट ग्रुप एरिया प्लानिंग इसमें इसमें से आपकी क्या है केस स्टडी आने वाला है इंडिया ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट केस स्टडी यानी कि ये वाला जो चैप्टर है ना तो आपको ध्यान से पढ़ना है क्योंकि इसमें से आपकी क्या है केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस आने वाले हैं एक तो ये चैप्टर हो गया चैप्टर नंबर नाइन जिसमें से केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आएंगे और एक चैप्टर मैंने आपको पहले भी बताया था जो कि है क्वार्टनरी एक्टिविटीज़ तो क्वार्टनरी एक्टिविटीज़ और प्लानिंग एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन इंडिया वाले में से आपके क्या है केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आने वाले हैं तो अब जो आपका चैप्टर है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन उसमें से आपके आने वाला है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन रोड्स रेलवेज वाटरवेज एंड एयरवेज ऑयल एंड गैस पाइपलाइंस ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन नेटवर्क्स तो ये टॉपिक इसमें से आने वाले हैं अब जो आपका चैप्टर नंबर 11 है इंटरनेशनल ट्रेड उसमें से आपके टॉपिक्स आएंगे चेंजिंग पैटर्न ऑफ इंडियाज फॉरन ट्रेड सी पोर्ट्स एंड देयर हिंडरलैंड एंड एयरपोर्ट्स अब जो आपका लास्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर ट्वेल्व जियोग्राफिकल प्रस्पेक्टिव ऑन सिलेक्टेड इशू एंड प्रॉब्लम्स तो इसमें से जो आपके टॉपिक्स आने वाले हैं वो है इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन अर्बन वेस्ट डिस्पोजल अर्बनाइजेशन रूरल अर्बन माइग्रेशन प्रॉब्लम्स ऑफ स्लम्स और लास्ट टॉपिक है लैंड डिग्रेडेशन तो ये जो मैंने आपको सारे टॉपिक्स बताए हैं वो सब क्या है आने वाले हैं तो फाइनली अब बारी आती है हमारे प्रैक्टिकल वर्क की तो प्रैक्टिकल में आपको बनाना है यूनिट वन जो है आपकी उसमें से प्रोसेसिंग ऑफ डाटा एंड थीमेटिक मैपिंग उसमें से आपको जो टॉपिक्स बनाने हैं वो है टाइप एंड सोर्सेज ऑफ डाटा प्राइमरी सेकेंडरी एंड अदर सोर्सेज टेबलेटिंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ डाटा कैलकुलेशन ऑफ एवरेज मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और लास्ट टॉपिक है रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा कंस्ट्रक्शन ऑफ डायग्राम्स बार सर्कल्स एंड फ्लो चार्ट द मेट्रिक मैप्स कंस्ट्रक्शन ऑफ डॉट कोरोप्लैथ एंड द आइसोप्लैथ्स मैप्स और जो आपकी यूनिट नंबर सेकेंड है स्पेटियल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी उसमें से आपके जो टॉपिक्स हैं वो आने वाले हैं वो है इंट्रोडक्शन टू जी आई एस हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स एंड सॉफ्टवेयर मॉड्यूल्स डाटा फॉर्मेट्स रेजटर एंड वैक्टर डाटा डाटा इनपुट एडिटिंग एंड टोपोलॉजी बिल्डिंग डाटा एनालाइज ओवरले एंड बफ़र तो ये टॉपिक्स आपके यूनिट सेकेंड में आने वाली हैं तो ये था आपका सिलेबस जो कि 2023 के एग्ज़ाम्स में आने वाला है इसके अलावा जो आपका मैप्स का वर्क है वो बच गया है कि मैप्स में क्या क्या आने वाला है उसके लिए मैं आपको एक सेपरेट वीडियो प्रोवाइड करा दूँगी जिसके अंदर सारा कुछ मैप्स से रिलेटेड ही होगा कि अब की बार कौन कौन से मैप्स आएंगे। तो लास्ट में यहाँ पे मैं आपको एक बोनस टिप देने वाली हूँ कि जो ट्वेल्थ क्लास की ज्योग्राफी पॉलिटिकल साइंस हिंदी और इंग्लिश है उन सभी चैप्टर्स को मैं अपने इस चैनल के ऊपर अपलोड करने वाली हूँ बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किए हुए होंगे हर एक चैप्टर तो वो वीडियोस ज़रूर देखना ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस की तो स्पेशली देखना क्योंकि हर एक चैप्टर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है और ऐसी एक्सप्लेनेशन आपको पूरे यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलने वाली और हाँ जितने भी आपकी बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो सभी भी क्या है इस चैनल पे अपलोड हो जाएंगी। सो दैट्स इट फॉर द टूडेज वीडियो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में